माँ धारी देवी का मंदिर सुबह 5 बजे ऐसा दिखता है जैसा एक आसमान में चमकता हुआ अद्भुत सुंदर तारा। माँ साक्षात विराजमान है यहाँ पे। ऐसा लगे जैसे आ रहा होगा। स्वर्णो दुर्गा जातवे रस्यं सन्दना बादुरिताज परिषि अग्ने अत्यवन मनसा गृहानो अस्माकं बोध्य पिता तनूना प्रतनाति दगुं सहमान भक्र भक्तिगुं हुवेम परमात् सधस्थात् सनः परिषदति दुर्गा नदी। धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर माँ धारी देवी का एक लोकप्रिय मंदिर है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर कल्यासौर गांव में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। धारी देवी मंदिर भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है। देवी धारी देवी को उत्तराखंड में 4 धामों की संरक्षक और रक्षक के रूप में माना जाता है। धारी देवी मंदिर का महत्व। यह मंदिर श्रीमद् देवी भागवत द्वारा गिने गए भारत के 108 शक्ति स्थलों में से एक है। माँ धारी देवी की मूर्ति के 2 भाग हैं, ऊपरी आधा और निचला आधा। धारी देवी का यह मंदिर देवी की मूर्ति के ऊपरी आधे हिस्से का घर है। दूसरी ओर कालीमठ मंदिर वह तीर्थस्थल है जहाँ देवी की मूर्ति का निचला आधा भाग रखा गया है। कालीमठ मंदिर में देवी को भगवान शिव की दूसरी छमाही माँ काली के रूप में पूजा जाता है। देवी धारी देवी की पूजा खुली जगह में की जाती है, जहाँ मूर्ति रखी जाती है वहाँ कोई छत नहीं होती है। इसके पीछे कारण यह है कि लोगों का मानना है कि धारी देवी को खुली जगह में बैठना पसंद है। धारी देवी को काली माता का अवतार माना जाता है। मंदिर में साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में दुर्गा पूजा और नवरात्र हैं। इन त्योहारों के दौरान मंदिर को सुंदर फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार देवी की मूर्ति का रूप समय के साथ एक लड़की से एक महिला और फिर एक बूढ़ी महिला में बदल जाता है। लोगों का कहना है कि देवी की मूर्ति छत के नीचे नहीं रखनी चाहिए, इसलिए मंदिर में मूर्तियों के ऊपर खुला आसमान है। मंदिर धारी देवी की मूर्ति की तस्वीर लेना सख्त मना है। दंतकथाएं। एक लोकप्रिय किंवदंती है जिसमें कहा गया है कि एक बार अलकनंदा नदी में बाढ़ के कारण देवी काली की मूर्ति एक बड़ी चट्टान से टकरा गई थी। तब धरो गांव के लोगों ने देवी की दिव्य आवाज सुनी और उन्होंने इस स्थान पर देवी काली की मूर्ति स्थापित की जहां मंदिर मौजूद है। इस घटना के बाद मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य भ्रमण पर निकले तो उन्होंने कुछ समय इस क्षेत्र में विश्राम किया और यहां पूजा की। यदि यह सत्य है तो संभावना है कि यह मंदिर द्वापर युग का है। या देवी खड्गहस्ता सकल जनपद व्यापिनी विश्वदुर्गा श्यामांगी शुक्लपाशा द्विजगणगणिता ब्रह्मदेहार्धवासा ज्ञानानां साथ जनती यतिगिरिगमन ज्ञान दिव्य प्रबोधा सा देवी
दिव्यमूर्ति प्रदघतु दुरीद चंड मुंडा प्रचंड ओं ह्रीं ह्रूं चर्म मुंडे शवगमनहते विषणे भीम वक्र क्रां क्रीं क्रोधमूर्तिर्भिः कृतस्तव मुखे रौद्रदंष्ट्राकराले कं 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 कलरात्रिः भ्रमसि जगदितौ भक्षज्योति प्रसन्नति ओंकारोच्चारयन्ति प्रदघतु दुरितौ चण्डमुण्डा प्रचण्डा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रुद्ररूपे त्रिभुवननमिते पाशहस्ते त्रिनेत्रे ह्रां ह्रीं ह्रूं रङ्गरङ्गे किलिकिलितरवे शूलहस्ते प्रचण्डे ला शिवम सूर्य पापात प्रणाम कर जय भैरव।